सुप्रभात, देवभूमि इनसाइडर में आपका स्वागत है। वक्त हो चला है आज की सुर्खियों का। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। 20 शिखर सम्मेलन के चलते दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक मेट्रो सुबह 4 बजे से चलेंगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भारी गोलाबारी के बाद तोरखम बॉर्डर सील। बीसीसीआई प्रेसिडेंट रोजर बिनी और वीपी राजीव शुक्ला पाकिस्तान से बागा बॉर्डर के जरिए भारत लौटे। मणिपुर मामले में एडिटर्स गिल्ड को एससी से राहत। सोमवार तक अधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक। उम्मीद है कि एससी संविधान के साथ छेड़छाड़ का मौका नहीं देगा। देश का नाम बदलने पर बोली मायावती। अब खबरें उत्तराखंड से। विधानसभा सत्र और अतिक्रमण पर बोले सीएम धामी, कहा आम जनता को नहीं किया जाएगा परेशान। इंडिया और भारत पर मचे बवाल पर सीएम धामी का बयान, सोनिया गांधी पर साधा निशाना। सत्र के दूसरे दिन 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। कैग रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी गई। खानपुर में दर्दनाक हादसा, पेड़ से टकराई स्कॉर्पियो कार, 2 की मौत। हरदा ने चखा रेडबेरी का स्वाद, लोगों को बताए औषधीय फायदे। तो ये थी आज की सुर्खियां। कल फिर मिलेंगे नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देवभूमि।